गरीबों को बांटा जाने वाला करीब 15 लाख रुपए का राशन डकारने वाले उचित मूल्य की दुकान के प्रबंधक और विक्रेता पर गोवर्धन थाना पुलिस ने 420 सी की धाराओं में मामला दर्ज किया। गरीबों को बांटा जाने वाला करीब 15 लाख रुपए का राशन डकारने वाले उचित मूल्य की दुकान के प्रबंधक और विक्रेता पर गोवर्धन थाना पुलिस ने 420 सी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसकी शिकायत गुरुवार की शाम प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी डीएस दागी द्वारा गोवर्धन थाने में दर्ज कराते हुए बताया कि ग्राम धोरिया के शासकीय उचित मूल्य की दुकान 050-10-54 की गई शिकायतें राशन का वितरण करने को लेकर सीएम हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कराई गई थी। शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन ओम नमः शिवाय महिला बहु सहकारी संस्था धौरिया द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में संस्था के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं, जिसका जवाब नहीं दिया गया है। 11 मई 2023 को अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के द्वारा आदेश जारी कर धौरिया गांव की उचित मूल्य की दुकान को ओम नमः शिवाय महिला बहु सहकारी संस्था धौरिया से हटाकर महिला बहु सहकारी संस्था सिंगाड़ा को सौंप दिया गया है। 15 लाख का मिला राशन कम। महिला बहु सहकारी संस्था सिगाडा द्वारा POS मशीन में प्रदर्शित ऑनलाइन स्टॉक में भारी कमी के बारे में एक पत्र लिखकर सूचना दी थी। इसके बाद प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी DS दांगी के द्वारा गोवर्धन थाने में ओम नमः शिवाय महिला बहु सहकारी संस्था धौरिया के प्रबंधक और विक्रेता के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई। गोवर्धन थाना पुलिस ने ओम नमः शिवाय महिलाओं बहु सहकारी संस्था धौरिया के प्रबंधक बनवारी लाल शर्मा एवं विक्रेता विनोद शर्मा के खिलाफ IPC की धारा 409-420 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। बहरार से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।